देश भर में नुपुर शर्मा के समर्थकों को मिलने वाली धमकियों में अब भीलवाड़ा का नाम भी शामिल हो गया है। इसके विरोध में आज कोटला कस्बा बंद है। वहीं मामले की जांच में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं युवक को धमकियां मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के गंगापुर थाना प्रभारी राजू राम ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांधी नगर के रहने वाले आयुष पुत्र जेठामल सोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली थी। उसके बाद आयुष और उसके जीजा को आशिक उर्फ बबरी, साकिल शाह, बिलास मोहम्मद, आफिर मोहम्मद व मोहम्मद तालिब रंगरेज जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आयुष और उसके जीजा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद ही लोगों में आक्रोश पनपा हुआ है। आयुष और उसका जीजा अलग अलग जगह पर सोने चांदी के जेवरात की दुकान लगाते हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को देखते हुए लोगों ने इस तरह से धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।